हिंदी सिनेमा में अपनी बेहतरीन अभिनय की वजह से पहचाने जाने वाले संजय दत्त अक्सर सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़े रहते हैं। लोग उन्हें प्यार से संजू बाबा भी कहकर बुलाते हैं। बीते अगस्त के महीने में संजय दत्त के बारे में खबर आई थी कि उन्हें स्टेज 4 का लंग्स कैंसर है। इस खबर को सुनकर उनके फैंस काफी दुखी हुए थे। हालांकि उस दौरान खबरें आई थी कि संजय दत्त अपना इलाज करवाने के लिए विदेश जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने इलाज के लिए मुंबई के अस्पताल को ही चुना। अब लगभग 2 महीने बाद संजय दत्त ने हाल ही में एक वीडियो के सहारे अपनी बीमारी के बारे में बात की और अपने अंदाज में फैंस को कहा कि वे इस बीमारी को हरा कर ही दम लेंगे। बता दें कि संजय दत्त ने जिस वीडियो में कैंसर को हराने की बात कही है उसे हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम के इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। इस वीडियो में संजय दत्त कहते हैं, हाय मैं संजय दत्त हूँ, सैलून में वापस आकर अच्छा लगा, बाल कटवाने आया हूँ। यदि आप इसे देख रहे हैं तो मेरे जीवन का हालिया निशान है, लेकिन मैं इसे हरा दूंगा। मैं जल्द ही इस कैंसर से बाहर निकलूंगा। आपको बता दें कि संजय दत्त का पहली बार कैंसर से पाला नहीं पड़ा है। उनके सबसे करीबी लोग इस घातक बीमारी के शिकार हुए हैं। उनकी मां नरगिस और पहली पत्नी ऋचा शर्मा को भी ये बीमारी हुई थी। 39 साल पहले मां नरगिस दत्त का इस बीमारी से निधन हुआ था। उस वक्त संजय की उम्र महज 22 साल थी। 1996 में संजय दत्त की पहली पत्नी और उनकी बेटी त्रिशाला की मां ऋचा शर्मा की मौत भी कैंसर से ही हुई थी। संजय ने इसके अलावा अपने प्रोफेशनल वर्क के बारे में बात करते हुए कहा कि वे KGF चैप्टर 2 फिल्म के लिए दाढ़ी बढ़ा रहे हैं। वे इस फिल्म में मेन विलन अधीरा का रोल कर रहे हैं। KGF चैप्टर 2 के अलावा संजय दत्त के पास कई फिल्में हैं। इनमें भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, टोरबाज, शमशेरा और पृथ्वीराज जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा हाल ही में संजय दत्त की फिल्म सड़क 2 भी रिलीज हुई थी। इस फिल्म में संजय दत्त के अलावा आलिया भट्ट, आदित्य रॉय कपूर और पूजा भट्ट जैसे सितारे नजर आए थे। महेश भट्ट के निर्देशित किए गए इस फिल्म के ट्रेलर को YouTube पर 12 मिलियन से अधिक डिसलाइक्स मिले थे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सुशांत सिंह राजपूत केस की वजह से महेश भट्ट को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। वहीं संजय दत्त से पहले उनकी पत्नी मान्यता दत्त ने उनकी बीमारी के बारे में बात करते हुए कहा था कि उनके परिवार के साथ में काफी संघर्ष झेले हैं और उन्हें उम्मीद है कि ये दौर भी जल्द ही गुजर जाएगा। मान्यता का कहना था कि भगवान ने उन्हें एक बार फिर चुनौतियों का सामना करने के लिए चुना है और उन्होंने फैन से दुआओं और आशीर्वाद की अपील भी की है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।